नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, कहने को तो एक फिल्मी गाने की कुछ लाइनें ही हैं, पर जब आप इनका अर्थ समझेंगे तो समझ आएगा कि दूसरों के लिए जीना ही सही जीवन जीना होता है। और इस व्यवस्था को, इस भावना को लॉयंस क्लब इंटरनेशनल हमेशा से परिभाषित करता आया है। हमेशा से समाज के लिए काम करने वाला लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321B1 केवल एक समाज सेवी संस्था नहीं, बल्कि एक विचार है, एक भावना है, जिसके कारण लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 हमेशा से समाज के लिए काम करता आया है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के लॉयंस क्लब लखनऊ विश्वास द्वारा विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश जैन की अध्यक्षता में स्वर्गीय लॉयन लेडी आशा जैन की 8वीं पुण्यतिथि पर कम भाग्यशाली लोगों के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्तदान के साथ साथ पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कैंप और 38 यूनिट ब्लड KGMU को डोनेट किया गया। हेल्थ चेकअप कार्यक्रम में लगभग 410 लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर, सामान्य चिकित्सा जांच, आंखों की जांच इत्यादि अपोलो हॉस्पिटल द्वारा करके जरूरतमंद लोगों की मदद की गई एवं कम भाग्यशाली लोगों को पुराने कपड़े वितरित किए गए। भंडारे का आयोजन करके प्रसाद रूपी भोजन लगभग 1500 लोगों को कराया गया। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष लॉयन लेडी बबीता चौहान और IP मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन अभिनव सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि CDO लखनऊ अजय जैन ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस पूर्ण कार्य में पूर्व गवर्नर, सैकड़ों लॉयन सदस्य, कई उद्यमी के साथ साथ LDCO एलिगेंस के निवासी व कर्मचारी उपस्थित रहे। भव्य कार्यक्रम लॉयंस क्लब लखनऊ विश्वास नारायणी, नई आवाज उद्यमी एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव से खास बातचीत करते हुए मानवता का सही अर्थ भी बताया। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुकेश जैन ने कहा कि ये कार्यक्रम वो हर साल अपने साथियों के साथ करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अपनी स्वर्गीय पत्नी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। समाज सेवा बहुत जरूरी है और लायंस क्लब समय समय पे अपनी समाज सेवा के माध्यम से दिशा भी देता है, समर्पण भी करता है और साथ साथ बताता है कि जनसेवा समाज सेवा बहुत जरूरी है। आज भी लायंस क्लब लखनऊ द्वारा यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हेल्थ चेकअप है, ब्लड डोनेशन कैंप है और असहाय लोगों को वस्त्र वितरण है। इस मौके पर हमारे साथ अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनी बबीता चौहान मौजूद है, जो यहाँ पर आई हैं, क्योंकि समाज सेवा से इनका भी बहुत पुराना नाता रहा है, इनकी पहचान भी समाज सेवा के रूप में बढ़ी रही है। क्या बोलेंगे जी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेरा जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं मेरे को समाज सेवा के लिए ही प्रेरित करता है। तो आज मैं स्पेशली मुकेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, लखनऊ लायंस क्लब का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया इतने शुभ अवसर पर, कि जो यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में आज ब्लड डोनेट होने वाला है, कैंप चल रहा है, आप देख के आए होंगे, और मेडिकल कैंप भी है यहाँ जिसमें, और आई कैंप भी लगाया हुआ है जिसमें सारे ये चश्मे और ये सब मुफ्त में देंगे लोगों को, और थोड़ा सा कुछ क्लोथ बैंक टाइप का भी है जहाँ ज़रूरतमंदों के लिए कपड़े भी दिए जाएंगे। तो मैं कहती हूँ निश्चित रूप से जब इस तरह के कार्य समाज में होते हैं तो बहुत बड़ा सहयोग होता है समाज में, तो क्योंकि बहुत सारे नीडी लोग हैं जो हमसे थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जिनकी हम मदद कर सकते हैं या जो भी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे कामों से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और अगर किसी लायक कोई व्यक्ति है तो ज़रूर दूसरों की मदद करना चाहिए। अब मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जब दूसरों के लिए जीते हैं तो शायद उसमें आनंद कुछ और आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के काम होते हैं तो सभी को बहुत खुशी भी मिलती है, सबको, पता नहीं कितने चेहरे होंगे जो आज यहाँ से जाएंगे कि जो जिनको बीमार होंगे उनको दवाइयाँ या उनको जिसको आई कैंप में चश्मे या जो यहाँ से लेके जाएंगे कि उनके चेहरे पे एक अद्भुत खुशी होगी, तो वो देख के जो अपने आप को आनंद मिलता है ना, वो एक अलग ही तरह का होता है जी। ये तो बात समाज सेवा को ही, पर हमने ये भी देखा है कि महिला आयोग का तमाम गतिविधियाँ चलती रहती हैं,
क्या मान के चल रहे हैं कि समाज सेवा से आप जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी ही कुछ अलग गतिविधि उत्तर प्रदेश महिला आयोग भी भविष्य में आयोजित करेगा महिलाओं के लिए, समाज के लिए, उन असहाय महिलाओं के लिए जो आज भी वंचित हैं, परेशान हैं व्यवस्थाओं से। बिल्कुल आपने सही कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि कहीं ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जहाँ मैं सहयोग कर सकती हूँ, जो किसी भी तरह से कमज़ोर हैं या जो कहीं नहीं कर पाती, तो मेरे लिए वो भी समाज सेवा का काम करेंगे और निश्चित रूप से मैं ऐसी सब महिलाओं के साथ हूँ। आने वाले समय में चूँकि महत्वपूर्ण पद मिला है और समाज सेवा से नाता रहा है, एक महत्वपूर्ण पहल में पहले भी आपसे चर्चा हुई थी कि कोई ऐसा नंबर जारी किया जाए, क्योंकि तमाम टोल फ्री नंबर है पर अभी भी उतनी पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि इतना टिपिकल प्रोसेस रहती है कि महिला भी परेशान हो जाती है और आमदनी परेशान होते हैं। कोई ऐसा नंबर दिया जाए जो कि 24/7 चले और सुगमता हो, आप तक पहुंच आसान हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। जी डेफिनेटली बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये मेरी प्लानिंग का पहला ही एक वो है, अब मैं शायद नेक्स्ट वीक या करने वाली हूँ शायद एक बैठक, और बैठक में जो मेरा सबसे पहला काम है वो यही है कि मुझे एक टोल फ्री नंबर लॉन्च करना होगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेरे रहते हुए मैं कोशिश करूंगी कि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। और रहा सवाल मेरा, तो मेरा भी खुद पर्सनल नंबर भी 24 आवर्स ऑन रहता है, ऐसा नहीं है कि कहीं ऑफ का, तो यहाँ कोई कॉज ही नहीं है। मैंने तो कहा कि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं किसी भी ज़रूरतमंद महिला के लिए, और मैं खुद 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मेरी टीम पूरा सबके लिए काम करेगी। तो क्योंकि मैंने राजनीति को भी समाज सेवा के रूप में ही स्वीकार किया है, तो इसलिए जहाँ भी मैं काम आ सकती हूँ, जहाँ भी मेरा रोल होगा, जहाँ भी मैं अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की मदद कर सकती हूँ, निश्चित रूप से मैं वहाँ हूँ उनके साथ। तो ये थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, लायंस क्लब के समाज सेवी कार्यक्रम में यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपनी जानकारी दी और साथ साथ ये भी बताया कि यहाँ पर महिलाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बबीता चौहान यहाँ आ चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि नंबर ही जरूरी नहीं, मेरा खुद का नंबर भी यहाँ पर जारी होगा, मुझसे बात करें और मेरे घर के दरवाजे भी उनकी समस्याओं के लिए खुले हुए हैं, आए और उनका निस्तारण करेंगे। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था से कोई नाता नहीं, पर जो व्यवस्था अब लागू होगी वो अपने आप में इतिहास बनेगी। देखिए ये एक हमारा क्लब जो है हर साल लगाता है, आज मेरी मिसेज आशा जैन की पुण्यतिथि है 8 सितंबर, हर साल हम एक ये ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, पुराने वस्त्र वितरित करते हैं, भंडारा लगाते हैं गरीबों के लिए। एक्चुअली हमारी मिसेज की जब कैजुअल्टी हुई थी, डेथ हुई थी, उस समय हमको बहुत इसको 4-5 महीने लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, हफ्ते में 2 बार प्लेटलेट्स और ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। और चूँकि मैं लॉयंस में बहुत एक्टिव हूँ, और तब मुझे किसी भी बिना किसी इंटरप्शन के रेगुलर ब्लड मिलता रहा विदाउट किसी डोनेशन के, तो अब लगता है मैंने बहुत करा है तो उसका कुछ कर्ज उतार दूँ। तो इसीलिए हर साल, वैसे तो रेगुलर चलते रहते कैंप्स हमारे, बट आज स्पेशली मैं ये कैंप जो हमारा क्लब लगाता है और उसकी याद ताज़ा करते हुए हम ये कैंप लगाते हैं। और इस तरह के और कौन कौन से कार्यक्रम करते हैं सर? हम लोग तो हर क्षेत्र में कार्य करते हैं, कंबल वितरण करेंगे अभी हम कुछ दिनों में, आप देखेंगे जो हमारी फ्लड आई थी, फ्लड तो चली गई लेकिन उनके जो पीड़ित लोग अभी भी हैं उनके लिए राशन पानी और कंबल, हम यहाँ से 3-4 गाड़ी फ्लैग ऑफ कराने के मूड में हैं कि डायरेक्ट यहाँ लखनऊ से जाएँ, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और खटीमा हमारा क्षेत्र है उसमें जाएंगी, और जब भी कहीं की ज़रूरत पड़ती है लाइन से मेरा हाजिर रहता है। और आज आप देख भी रहे होंगे हर तरफ लोग हमारे हैं और इस उसमें लगे हैं कि कब कौन किसकी सेवा में हम आ जाएँ। ये कैंप इसीलिए लगा है कि जितने यहाँ पर वर्कर्स हैं हमारे, ये समझिए 350 फ्लैट हमारे, एवरेज 2-3 भी हुए तो 700-800 वर्कर्स हुए, तो उनका चेकअप होना है, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी चश्मे की तो चश्मे भी दिए जाएंगे नंबर के साथ में, और जो भोजन भूखे थोड़ा सा है उनको बाहर भोजन की व्यवस्था है। एक समय ज़रूर रहेगा, अन्य समय संगठन भी हैं, लायंस का बिल्कुल अलग है, ऐसा क्या? सही कह रहे हैं आप, लायंस बिल्कुल अलग है क्योंकि हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम सिर्फ सर्विस और सर्विस में बिलीव करते हैं। हमारा नारा है वी सर, और मेरा नारा है सर विद जॉय, हंसी खुशी कोई भी काम करिए, हंसी खुशी कीजिए, जो दिल को अच्छा लगे, जो दिल को अच्छा लगे करिए, जिसमें आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। और सही में आप किसी की भी अगर एक किसी बूढ़े को आप सड़क भी पार कराएंगे ना, जब पार करा के निकलेंगे तो आपको खुद एक महसूस होगी फील कि आपने बहुत बड़ा काम किया। तो मेरा तो यही कहना है कि जब कहीं ज़रूरत हो और हम कर सकते हैं, अगर हम सक्षम हैं कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारा हर साल का एक विश्वास क्लब का रहता है,
लायंस क्लब विश्वास की तरफ से हर साल का एक्टिविटी, भंडारा, ब्लड डोनेशन कैंप और सारी चीज़ें इसी में की जाती हैं। ये मुकेश जैन भी हमारे जो है लाइन गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, ये उनकी तरफ से आयोजित रहता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज लाइन क्लब विश्वास ने अपने तीन नए क्लबों के साथ मिलकर एक संयुक्त रूप में एक अभियान चला के आज सेवा का बहुत बड़ा आयोजन किया है, जिसमें पुराने कपड़े भी बांटे जा रहे हैं, ब्लड भी डोनेशन किया जा रहा है, हेल्थ चेकअप भी हो रहा है और भोजन भी कराया जा रहा है। तो आज का दिन लायंस के लिए बहुत अच्छा है और जो लायंस की परिभाषा को परिभाषित करता है कि हमें लोगों की मदद करनी है, हमें सेवा करना है, उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।